Hello friends, welcome back to Jabalpur Psychiatry Clinic Awareness Series. मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आपका स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज जिस मानसिक रोग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वह एक ऐसा रोग है जो बहुतायत में पाए जाने के बावजूद बहुत ही नेगलेक्टेड है. बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं. तो आज का विषय है, आज का टॉपिक है डिस्थाइमिया. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल इस रोग का नाम डिस्थाइमिया की जगह लिया जाता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये जो रोग है ये समहाउ रिलेटेड विद डिप्रेशन है. अब ये बिल्कुल सही है कि यह डिप्रेशन से मिलता जुलता रोग है, इसलिए हम इसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहने लगे हैं. और इस रोग को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहने के पीछे कारण एक यह भी है कि डिस्थाइमिया, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और क्रॉनिक डिप्रेशन, ये दो एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी जिनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था. सो अब हमने इन दोनों ही कैटेगरी को एक में मिलाकर इस रोग को हम कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अब इसे हम डिस्थाइमिया क्यों कहते थे, तो ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूथाइमिया क्या होता है. तो मित्रों, यूथाइमिया शायद आप लोगों ने सुना हो या ना भी सुना हो, तो यूथाइमिया को सरल भाषा में हम ऐसे जान सकते हैं कि यूथाइमिया इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड और मूड. और डिस्थाइमिया, जो कि शब्द की उत्पत्ति हुई है एंशियंट ग्रीक से, जिसका मतलब होता है बैड स्टेट ऑफ माइंड. तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डिस्थाइमिया में जो व्यक्ति का माइंड सेट होता है, माइंड स्टेट होता है, वह बुरा होता है, वह निगेटिव होता है. अब यह जान लें कि डिस्थाइमिया का प्रिवेलेंस का प्रभाव कितना ज्यादा है. तो जो डिस्थाइमिया रोग है, या जिसे आजकल हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, उसका अगर हम प्रिवेलेंस की बात करें तो इंडिया में ही हर साल लगभग 10 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं. अगर हम विश्व की बात करें तो मोर देन 100 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड ऑफ दिस डिसऑर्डर एवरी ईयर. अब आप समझ सकते हैं कि ये किस मात्रा में हमारे भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है. कि डिस्थाइमिया सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि स्त्रियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है पुरुषों की तुलना में. अब डिस्थाइमिया जो है वो होता क्यों है, तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिस्थाइमिया डिप्रेशन से मिलता जुलता सा रोग है, तो इसके पीछे जो एटियोलॉजीज दी गई हैं वो भी काफी हद तक डिप्रेशन से मिलती जुलती है. और सबसे बड़ा कारण डिस्थाइमिया का जेनेटिक माना गया है. ये देखा गया है कि डिस्थाइमिया से पीड़ित व्यक्ति के पेरेंट्स में अथवा सिबलिंग्स में इस रोग के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. तो कहीं ना कहीं डिस्थाइमिया में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पाया गया है. और लॉन्ग टर्म स्टडी पे यह भी देखा गया है, 10 ईयर फॉलोअप स्टडी जो की गई है उनमें यह भी पाया गया है कि डिस्थाइमिया से पीड़ित व्यक्ति में आने वाले 10 वर्षों में मेजर डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है. अब डिस्थाइमिया डिप्रेशन से कैसे मिलता जुलता है, देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात किया डिप्रेशन पे, आने वाली कड़ियों में मैं आपको और स्पष्ट तरीके से डिप्रेशन से भी अवगत कराऊंगा. डिप्रेशन के डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे पास 2 सप्ताह का पीरियड भी काफी होता है. मतलब अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित हुआ और डिप्रेशन के लक्षण आए, साइन आए, सिम्टम आए, तो 2 सप्ताह में हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति मेजर डिप्रेशन से पीड़ित है अथवा नहीं है. लेकिन डिस्थाइमिया, जो कि मैंने कहा कि डिप्रेशन से मिलता जुलता है, इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें साइन एंड सिम्टम्स जो चाहिए होते हैं वह बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए होते हैं, लगभग
दो वर्ष का समयावधि चाहिए होता है अथवा कई बार उससे अधिक के भी। हाँ, विशेष परिस्थितियों में यदि हम इस रोग को डायग्नोस करें टीनेजर्स में, एडोलिसेंट में, तो एक वर्ष की समयावधि भी इस डायग्नोसिस के लिए पर्याप्त होती है। अब इस रोग की शुरुआत कब होती है? यह पाया गया है कि यह रोग अधिकतर टीनेज में, कई बार चाइल्डहुड में प्रारंभ हो जाती है। मतलब इसको हम कहते हैं अर्ली ऑनसेट, जो कि सबसे बड़ा प्रोपोर्शन होता है 21 वर्ष से पहले। कुछ एक केसेस में यह रोग मिडिल एज में भी जरूर पाया गया है। तो डिस्थाइमिया से पीड़ित व्यक्ति की पहचान हम कैसे करें? देखिए, उसके लिए हमें जानना होगा कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह यह है कि डिस्थाइमिया से पीड़ित व्यक्ति डिप्रेस्ड मूड शो करता है, उसका मन उदास सा रहता है। लगभग नियमित तौर पर, रेगुलर बेसिस पे, लगभग हर दिन, हर दूसरे दिन, हर पांचवें दिन या निरंतर भी उसका मन उदास सा रहता है। अन्य साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे 4-5-6 अन्य लक्षण हैं जो उसमें पाए जा सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और सामान्य तौर पर हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए इन 5-6 लक्षणों में से 2 लक्षणों के होने की आवश्यकता होती है। और अन्य लक्षण क्या है? जैसे व्यक्ति अधिक सोने लगता है अथवा उसकी नींद कम होने लगती है, व्यक्ति अधिक खाने लगता है अथवा उसकी भूख कम होने लगती है, व्यक्ति थका थका अनुभव करने लगता है, बिल्कुल ही शरीर में ऊर्जा की कमी का अनुभव करने लगता है, सेल्फ एस्टीम लो फील करता है, डिसीजन ले पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है और पेसिमिस्टिक हो जाता है, बहुत ही निराशावादी बातें करने लगता है और अपने आशा को, अपने उम्मीद को टूटा हुआ पाता है। तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेस मूड होना चाहिए, मन उदास सा रहना चाहिए, मन में बिल्कुल ही ऊर्जा का अभाव होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो 5-6 लक्षण बताए उनमें से कोई सा भी 2 लक्षण जब हो, और जब यह लक्षण निरंतर चले, निरंतर, हाँ ये हो सकता है कि बीच में कुछ 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए लक्षण ना मिले, लेकिन लगभग सभी दिनों में इस 2 वर्ष की अवधि में यह लक्षण निरंतर चलते हैं, तब जाकर हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि यह व्यक्ति डिस्थाइमिया से पीड़ित है। अब आप देखिए, जो मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन डिस्थाइमिया एंड डिप्रेशन इज द टाइम ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। जो लक्षण आ रहे हैं वो लक्षण है लेकिन इतने कम है कि व्यक्ति अपना जीवन तो चला ले रहा है। हाँ, लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। जब उनके लक्षण आते हैं, जैसे मन का खराब होना, नींद का ना आना, ऊर्जा का अभाव होना, कंसंट्रेशन पुअर हो जाना, तो वह इतनी ज्यादा मात्रा में आते हैं कि व्यक्ति अपने डे टू डे एक्टिविटी को कर पाने में भी असमर्थ हो जाता है और वह बिल्कुल ही निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन डिस्थाइमिया से पीड़ित व्यक्ति अपने डे टू डे एक्टिविटी को करता है। और सामान्य तौर पर यदि कोई प्रोटोटाइप डिस्थाइमिया के पेशेंट से हम मिले तो उसका कहना ऐसा होता है कि वह अपने जीवन को खींच रहा है, यह पूरा जीवन उसके सर पर बोझ है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, यह निरर्थक है, इस जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई उन्माद नहीं, केवल सुबह उठना, फिर वही करना, फिर सो जाना, और यही निरंतर प्रक्रिया वह कर रहा है, जैसे तैसे जितनी भी उसकी ऊर्जा बची हुई है उसको पूरी तरह निचोड़ के वह अपने जीवन की गाड़ी के पहिए को जैसे तैसे चला रहा है। लेकिन जब आप उससे बात करें तो आपको यह समझ में आएगा कि यह बिल्कुल ही उदास व्यक्ति है, बिल्कुल ही निराश व्यक्ति है। यही कारण है कि पहले कई लोग इस डिस्थाइमिया डिसऑर्डर को डिप्रेसिव पर्सनालिटी के नाम से जानते थे। आप देखेंगे
कि हमारे समाज में आप अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे घूम रहे हैं जो कि जीवन को व्यर्थ मानते हैं, जो कि अपने आप के पैदा होने को व्यर्थ मानते हैं, संपूर्ण चीजों को व्यर्थ मानते हैं। उनका जीवन केवल इसलिए है क्योंकि वह पैदा हो गए हैं और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, और जीवन के पैदा होने और मृत्यु के बीच की जो ये जर्नी है, दिस इज नॉट गुड फॉर देम, दे आर नॉट एंजॉयिंग एनीथिंग एनीवेयर इन दिस लाइफ, द होल लाइफ इज जस्ट अ बर्डन ओवर देयर हेड। अब आप बारीकी से देखिए, आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। हो सकता है आपका मित्र हो सकता है आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो जो इस प्रकार के लक्षणों से निरंतर ग्रसित है। यह आवश्यक नहीं 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या जीवन भर। कई मरीज तो हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका कहना होता है कि साहब मैं जीवन में एक बार भी खुश नहीं हुआ, मेरे पैदा होने से आज जब मैं आपके पास बैठा हूं मेरे जीवन में खुशियां शून्य रही है, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है, डिस्थाइमिया से पीड़ित है, और उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस उसके बैड मेंटल स्टेट का पूरा इलाज संभव है, पूरा इलाज हो सकता है। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और जिनको यह ज्ञात ही नहीं कि मैं किसी मानसिक रोग से पीड़ित हूं, तो उनका व्यवहार कैसा होगा? ये लोगों से कटते हैं, सोशल आइसोलेशन। आप इनको गैदरिंग्स में नहीं देखेंगे, अगर ये गैदरिंग्स में गए भी तो ये चाहेंगे जल्दी से वहां से निकल जाए। वो ऐसे किसी भी सोशल एंगेजमेंट को अवॉइड करेंगे जहां पे उन्हें क्राउड का सामना करना पड़े, जहां पे उन्हें स्ट्रेंजर्स का सामना करना पड़े, तो उनके अंदर अवॉइडिंग बिहेवियर आता है, उनके अंदर एस्केप बिहेवियर आता है, और वो अलूफ रहना पसंद करते हैं। परिवार वाले यदि कहे भी उस व्यक्ति से कि चलिए साहब आज हम बाहर चलते हैं, वो मूवी देख के आते हैं, बहुत प्यारी मूवी लगी हुई है, द आंसर वुड बी नो, आई डोंट वांट टू गो। हाँ, वो अपनी दिनचर्या का काम कर रहा है, वह उठ रहा है, खाना खा रहा है, कम खा सकता है, ज्यादा खा सकता है, वह नहा रहा है, वह अपने ऑफिस जा रहा है, वह ऑफिस से बाहर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वह कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना चाहता। तो ऑफिस में भी जाकर जब इस माइंडसेट से वह काम करेगा तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इट वुड बी लो, वह बहुत ही अपने पोटेंशियल को छू नहीं पाएगा। तो मित्रों, ये होता है डिस्थाइमिया। अब इसमें एक बात जो और ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि डिस्थाइमिया से पीड़ित व्यक्ति में यह देखा गया है कि लगभग 3/4 मरीजों में, लगभग 75% मरीजों में कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होते हैं। वो फिजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, साइक्लोथाइमिया हो सकता है, सब्सटेंस एब्यूज, ऐसे लोगों में सब्सटेंस एब्यूज भी बहुतायत में देखा गया है, अल्कोहल विशेषकर उसका सेवन करना बहुतायत डिस्थाइमिक पेशेंट में पाया गया है। तो ये जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर होते हैं इनका भी ट्रीटमेंट आवश्यक होता है, और यदि डिस्थाइमिया को डायग्नोज नहीं कर पाया तो निश्चित तौर पर कोमॉर्बिड डिसऑर्डर भी आएंगे और उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन और भी पुअर होती जाएगी। अब जो डिस्थाइमिया है इसमें ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज में हम काउंसलिंग का प्रयोग करते हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज में एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंजियोलिटिक्स हैं, जिनकी मदद से हम इस रोग से लड़ सकते हैं, इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले लक्षण क्या होते हैं, उसकी डायग्नोसिस किस प्रकार की जाती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है।
आने वाली कड़ियों में मैं आपको अन्य ऐसे ही अनछुए मानसिक रोगों के बारे में बताता रहूंगा, आप सभी को मेंटल डिसऑर्डर के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता रहूंगा। उम्मीद यही करता हूं कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यदि कोई व्यक्ति इन मानसिक रोगों से पीड़ित हो तो उसे देखकर कम से कम उसे यह ज्ञात हो सके कि वह किस मानसिक रोग से पीड़ित है, और उसे यह आभास हो सके, उसे यह जानकारी हो सके कि यदि वह प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है तो वह इन मानसिक रोगों से मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा।